Good morning. Today we will deal with reaction mechanism in which we will discuss about elimination reactions. कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी सहसंयोजक बंध का बनना या टूटना कार्बनिक अभिक्रिया कहलाता है. What are organic reaction? Making and breaking up of a covalent bond is known as organic reactions. कार्बनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः चार प्रकार की होती है, योगात्मक, प्रतिस्थापन, विलोपन और पुनर्विन्यास. ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर बेसिकली ऑफ फोर टाइप्स: एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. नाउ विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस? वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से विलोपित होकर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं. दोज रिएक्शंस इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज रिएक्शंस आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन अभिक्रियाओं में किसी अणु के दो पास पास वाले परमाणु से एक एक सिग्मा बंध टूटकर उनके मध्य एक नया पाई बंध बनता है. इन एलिमिनेशन रिएक्शन द टू सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम ब्रेक्स टू फॉर्म वन न्यू पाई बॉन्ड. ये योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती है. इट इज जस्ट अपोजिट एज एडिशन रिएक्शंस. उदाहरण के तौर पर अगर किसी यौगिक से एक्स वाई एलिमिनेट हो जाए, यहां देखिए ये पर ये एडजेसेंट एटम है, इनसे दो सिग्मा बंध टूट करके एक नए पाई बंध का निर्माण हुआ है. वी हाइड्रोजनीकरण, डी हाइड्रोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एथेनॉल ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन. हियर द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हेंस दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डी हाइड्रोजिनेशन. नेक्स्ट वी हेलोजनीकरण, डी हेलोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हेलोजन. 1,2 डाइब्रोमो इथेन को जिंक की उपस्थिति में गर्म करें तो इथीन और जिंक ब्रोमाइड बनेगा. यहाँ इस अणु से हेलोजन के अणु का निष्कासन हुआ है, इसलिए इसे वी हेलोजनीकरण कहते हैं. हियर द एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, हेंस दिस इज नोन एज डी हेलोजिनेशन. नेक्स्ट वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX. एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH फॉर्म एल्कीन एंड HBr. हियर HBr इज इलिमिनेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल, हेंस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डी हाइड्रोहैलोजिनेशन. निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर. व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 170 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, वाटर इज इलिमिनेटेड एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड. हियर वाटर इज इलिमिनेटेड, हेंस दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन. एल्किल हैलाइड की जब एल्कोहलिक क्षार के साथ क्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनती है. इस अभिक्रियाओं को वी हाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं.
That is when alkyl halide on treatment with alcoholic OH, molecule of HX is eliminated and alkenes are formed. These reactions are known as dehydrohalogenation. उदाहरण के लिए 2-bromopropane को अगर alcoholic KOH के साथ treat कराएं तो HBr विलोपित होकर के propene बनेगा. Propene, KBr और water. सामान्यतः उस कार्बन को अल्फा कार्बन एटम कहते हैं जिस कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो. दैट इज कार्बन एटम ऑन विच हेलोजन इज अटैच्ड इज नोन एज अल्फा कार्बन एटम. और उसके साथ जुड़े अन्य कार्बन परमाणु को बीटा कार्बन कहा जाता है. दैट इज the carbon atom attached to alpha carbon atom are known as beta carbon atom. देखिए ये beta carbon है, ये beta carbon है. और beta carbon से जुड़े hydrogen को हम beta hydrogen कहते हैं. So the hydrogen atom attached to beta carbon atom are known as beta hydrogen. 1-2 विलोपन अभिक्रिया में halogen atom हेलाइड आयन के रूप में निकलता है जबकि 4 बीटा कार्बन परमाणु से प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है. इस कारण इन अभिक्रियाओं को बीटा विलोपन या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. इन 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन द हेलाइड आयन इज रिमूव्ड from alpha carbon atom and the proton is eliminated from beta carbon atom. So these type of reactions are known as beta elimination reaction. जब किसी alkyl halide में एक ही प्रकार के beta hydrogen परमाणु हो तो उत्पाद के रूप में एक ही alkene बनती है. That is, if only one type of beta hydrogen atom is present in alkyl halide, then only one type of alkene is formed. उदाहरण के लिए देखिए, ये 1-bromopropane है, यहाँ पर एक ही प्रकार के beta hydrogen atom है, ये beta hydrogen atom है, और अगर इसको alcoholic KOH के साथ में treat करें, तो bromide ion इस कार्बन से और प्रोटॉन बीटा कार्बन से निष्कासित होकर के प्रोपीन बनेगा. 2-bromopropane में भी देखिए, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो दोनों बीटा कार्बन पर एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है. तो अगर इन्हें 2-bromopropane को एल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीट कराएंगे तो ब्रोमाइड आयन इस अल्फा कार्बन से और प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से विलोपित होकर के प्रोपीन बनाएगा. एक और अन्य उदाहरण देखिए, 1-bromobutane को अगर एल्कोहलिक KOH के साथ में क्रिया कराई जाए तो ब्रोमाइड आयन अल्फा कार्बन एटम से और प्रोटॉन इस बीटा कार्बन एटम से निष्कासित होकर के HBr निकलेगा और 1-butene का निर्माण. लेकिन यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो तो उत्पाद में एल्किनों का मिश्रण प्राप्त होता है. दैट इज, बट इफ एल्काइल हैलाइड हैव मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम देन मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स आर फॉर्म्ड एंड द एल्कीन इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी which is more substituted. मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्कीन बनती है जो अधिक प्रतिस्थापित हो. उदाहरण के लिए देखिए, 2-bromobutane को अगर हम
एल्कोहलिक के ओएच के साथ में क्रिया कराए तो ये अल्फा कार्बन एटम है, देखिए ये बीटा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम है, तो यहाँ दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। तो ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से भी निकल सकता है और प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से निकल सकता है। तो अगर प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से निकलेगा तो 2-butene बनेगा, और अगर प्रोटॉन इस बीटा कार्बन से निकलेगा तो 1-butene बनेगा। तो इफ एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH ऑन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फॉर्म्स मोर देन 1-alkene, देन द एल्कीन इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर किसी एल्काइल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजिनीकरण से एक से अधिक एल्कीन प्राप्त होती है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी जो अधिक प्रतिस्थापित होगी। देखिए यहाँ ब्यूटीन में 2 प्रतिस्थापी है जबकि 1-butene में 1 ही प्रतिस्थापी है, इसलिए ब्यूटीन 81% बनती है और 1-butene 19% बनती है। इस नियम को हम सेडजेफ का नियम कहते हैं, दिस रूल इज नोन एज सेडजेफ रूल। विलोपन अभिक्रियाएं 2 क्रियाविधि द्वारा हो सकती है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय 2 mechanism E1 एंड E2। E1 क्रियाविधि, E1 mechanism, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 steps। फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप किसी एल्काइल हैलाइड के हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ तो ये CX बॉन्ड टूटेगा और हैलोजन एटम हैलाइड के रूप में निकलेगा और कार्बोनियम आयन बनेगा। फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, सो इट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड एंड इन सेकेंड स्टेप द बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन एंड फॉर्म एल्कीन एंड दिस इज फास्ट स्टेप। सो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। चूंकि मंद तथा वेग निर्धारण पद में केवल एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग ले रहा है, अतः यह एक प्रथम कोटि की एक अणु अभिक्रिया है। दैट इज इन फर्स्ट स्टेप ओनली रेट ऑफ रिएक्शन depends on the concentration of alkyl halide. Hence, it is of first order kinetics. So, it is known as E1 reaction, that is unimolecular elimination reaction. उदाहरण के लिए तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जब जलीय अल्कोहल में KOH के साथ क्रिया करता है तो आइसोब्यूटीन बनाता है। When tertiary butyl bromide on treatment with alcoholic KOH, in first step the bromine atom is removed as bromide ion and forms tertiary butyl carbocation. And this tertiary butyl carbocation in second step base abstract proton from beta carbon atom and forms alkene, that is isobutene बनेगा। द्वितीय पद तीव्र पद होता है जिसमें क्षार बीटा कार्बन से प्रोटोन का निष्कासित करके एल्कीन बनाता है। यहां पर वेग केवल एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। Here the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide. Hence, it is unimolecular elimination reaction represented as E1. चूंकि SN1 अभिक्रियाओं की भांति
इवन अभिक्रियाओं में भी मुक्त कार्बोनियम आयन बनते हैं। अतः इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होगा। एज सिमिलर टू SN1 रिएक्शन, इवन रिएक्शन ऑल्सो फॉर्म्स फ्री कार्बोकेटायन एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर इवन रिएक्शन इज एज फॉलोज, दैट इज 3 degree एल्काइल हैलाइड शोज इवन रिएक्शन रैपिडली, देन 2 degree एल्काइल हैलाइड एंड 2 degree एल्काइल हैलाइड शोज इवन रिएक्शन रैपिडली, देन 1 degree एल्काइल हैलाइड। मुक्त कार्बोकेटायन के कारण इवन अभिक्रियाओं में भी पुनर्व्यवस्थित उत्पाद बनते हैं, दैट इज ड्यू टू फ्री कार्बोकेटायन इन इवन रिएक्शन रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल देखिए 2-bromo-3-3-dimethylbutane, दिस इज 2-bromo-3-3-dimethylbutane। अगर इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराएं तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप इन विच द हैलोजन एटम इज रिमूव्ड एज हैलाइड आयन एंड कार्बोनियम आयन इज फॉर्म, दिस इज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन एंड दिस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन रीअरेंजेस टू फॉर्म टर्शरी कार्बोनियम आयन। सो एज वी नो दैट 3 degree कार्बोकेटायन इज more stable than 2 degree carbocation, and in the second step the base abstract proton from this carbon atom leads to the formation of alkene, that is 2,3-dimethyl-2-butene banion. Next is E2 mechanism, E2 kriyavidhi. Yah abhikriya एक ही पद में संक्रमण अवस्था के माध्यम से संपन्न होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप बाय फॉर्मिंग ट्रांजिशन स्टेट एज शोन बिलो। देखिए यहां पे ये बेस है जो कि एल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया कर रहा है, ये मंद पद है, ठीक है, और संक्रमण अवस्था बनाता है। तो बेस क्या कर रहा है, प्रोटोन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हैलोजन एटम हैलाइड के रूप में निकल रहा है और एल्कीन बन रही है, BH एल्कीन और हैलाइड आयन, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर अभिक्रिया का वेग एल्काइल हैलाइड और क्षार दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एथेनॉल में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड व सोडियम इथॉक्साइड की अभिक्रिया E2 अभिक्रिया से संपन्न होती है, दैट इज व्हेन इथॉक्साइड आयन एक्ट एज अ बेस इट एलिमिनेट प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम एंड दिस हैलोजन एटम इज रिमूव्ड एज हैलाइड आयन टू फॉर्म प्रोपीन। देखिए यहां से बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कोहल बना लिया, ये ब्रोमीन एटम ब्रोमाइड आयन के रूप में निकल गया और यहां पर 2 sigma बॉन्ड मिलकर के एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, सो दिस इज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि यहां पर 2 है इसलिए इसे हम बाइमोलिकुलर E2 रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ E1 व E2 व SN2 अभिक्रियाओं में भी इसी प्रकार से एल्काइल हैलाइड अणु पर क्षार का पीछे से आक्रमण होता है, दैट इज चाहे आप E2 रिएक्शन लीजिए चाहे SN2 रिएक्शन कीजिए, दोनों में जो बेस है दैट इज बेस अटैक फ्रॉम द रियर साइड, बस
अंतर क्या है कि E2 अभिक्रिया में बेस बीटा कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में बेस अल्फा कार्बन पर आक्रमण करता है एंड फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सो वी कैन से इन E2 एंड SN2 रिएक्शन द बेस अटैक्स फ्रॉम द रेयर साइड ऑफ द एल्कलाइड. इन E1 रिएक्शन बेस अटैक्स ऑन बीटा कार्बन एटम टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन एंड इन SN2 रिएक्शन बेस अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन एटम टू फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. अतः E2 अभिक्रिया की सदैव SN2 अभिक्रिया के साथ प्रतिद्वंद्वता पाई जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट्स mechanism. Thank you.